निफ्ट रायबरेली कैंपस का 12वां दीक्षांत समारोह संपन्न हुआ। समारोह के मुख्य अतिथि एम्स रायबरेली के डायरेक्टर अरविंद राजवंशी थे और इस दौरान स्नातक और परास्नातक कुल 139 डिग्रियां प्रदान की गई। इस दौरान स्नातक कक्षाओं के 26 छात्र फैशन डिजाइन, 30 छात्र एक्सेसरी डिजाइन, 34 छात्र फैशन कम्युनिकेशन और 27 छात्र लेदर डिजाइन के रहे। वहीं परास्नातक में 22 विद्यार्थियों को मास्टर ऑफ फैशन मैनेजमेंट की उपाधियां दी गई। वहीं दीक्षांत समारोह में रायबरेली कैंपस के निदेशक भरत शाह ने पिछले वर्ष की एकेडमिक रिपोर्ट पेश करते हुए संस्थान की उपलब्धियों के बारे में बताया। वहीं मुख्य अतिथि एम्स रायबरेली के निदेशक अरविंद राजवंशी ने डिग्री और अवार्ड पाने वाले छात्रों को बधाई दी। वहीं इस दौरान मेरिटोरियस छात्र छात्राओं को बेस्ट एकेडमिक परफॉर्मेंस और अवार्ड, मेरिटोरियस स्टूडेंट अवार्ड रैंक फर्स्ट और मेरिटोरियस स्टूडेंट अवार्ड रैंक सेकंड से नवाजा गया। समारोह मनाया जा रहा है, ये 12वां दीक्षांत समारोह है हमारा, जिसमें 139 स्टूडेंट्स जो हैं आज ग्रेजुएशन की डिग्री प्राप्त करेंगे और ये देश के अलग अलग जगह पे ये लोग प्लेस्ड हैं। ऑलरेडी नौकरी इन लोगों को मिल चुकी है और हमारा कॉन्वोकेशन आज के दिन है, तो वो सब जगह से आए हैं यहाँ पे अपनी डिग्री को लेने के लिए। तो ये इस तरह का फंक्शन है सर, बहुत मतलब हर फील्ड में अगर आप देखो, फैशन कम्युनिकेशन, फैशन लेदर डिज़ाइनिंग, एक्सेसरी डिज़ाइन, फैशन कम्युनिकेशन, सब सारे डिपार्टमेंट्स चारों तरफ फैले हुए। अगर आप एक छोटे से छोटे चीज़ को भी देखो, और कोई भी कर सकता है कुछ भी, जैसे आप ये देख रहे हो वो इंडस्ट्री वाला चीज़, ऐसे वेस्ट प्रोडक्ट से पूरा एक इंस्टॉलेशन बना सकते हैं। जैसे वेस्ट बंगाल में जैसे आप अगर देखो, जैसे दुर्गा पूजा में पंडाल से लेकर सब कुछ, एक छोटे से छोटे एक इकोनॉमिक ग्रोथ के लिए हर एक इम्पॉर्टेंट होता है सब कुछ। तो मैं ये बिलीव करता हूँ कि एक डिज़ाइन सबके लाइफ को चेंज कर सकता है, सबको लाइफ को ईजी कर सकता है। मैं फैशन कम्युनिकेशन की स्टूडेंट हूँ इन द कोर्स बैचलर ऑफ़ डिज़ाइन, और मुझे मेरिटोरियस स्टूडेंट रैंक 2 अवार्ड मिला है। ये सोचा है कि अभी तो मैंने जॉब से शुरुआत करी है, लेकिन अभी बहुत आगे तक जाना है। आई वॉन्ट टू स्टार्ट माई ओन स्टूडियो एट सम पॉइंट। मुझे इलस्ट्रेशन काफ़ी पसंद है, तो मैं उसी एरिया में कुछ करना